हे दोस्तों, youhelpsr.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने आ चुके हैं। सभी जितने भी आपकी रेलवेज हैं, 16 अलग अलग आरआरसी हैं, वहाँ पर कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, सबकी जो है लिस्ट यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की भर्ती की जानकारी हर पल आपको मिलती रहे फ्री में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट लेकर के चलता हूं कि आरआरसी में अब तक कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, सभी जितने भी आपके 16 आरआरसी हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी डेटा आपको बताएंगे वो हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजे गए ईमेल पर आधारित होगा, ठीक है। सभी लोगों ने रजिस्टर कर करके जो है ईमेल हमें सेंड की है, तो उसी आधार पर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं यहां पर। और ये जो डेटा है वो 2 अप्रैल 2:03 तक का डेटा है, उस टाइम तक लोगों ने रजिस्टर किया है और अपनी स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 अप्रैल तक शाम 3 बजे तक किस जोन से कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 का। तो सबसे पहले जो आरआरसी जोन है वो है नॉर्थन रेलवे दिल्ली, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको पता होगा इसी जोन से है, 13,153 जो है वैकेंसी थी यहाँ पर ग्रुप डी की। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 2:03 तक 6,99,234 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स यहीं पर है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्थन रेलवे दिल्ली से ही भरे जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके स्क्रीन शॉट आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाएगा, हर टाइम हर दिन हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि इस दिन तक कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। अगला जो यहां पर रेलवे यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जोन है वो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अगर आपको कोलकाता रीजन के अंतर्गत जॉब चाहिए है तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से आप लोग अप्लाई करिएगा। ईस्टर्न रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और इसमें भी बहुत ही तेजी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब तक 4,42,298 एप्लीकेशन फॉर्म यहां से भरे जा चुके हैं। 10,873 बंपर भर्ती थी यहां पर। आपको पता होगा सबसे पहले जो मैंने बताया आपको नॉर्थन रेलवे यहां पर सबसे ज्यादा सीट थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पर सबसे ज्यादा सीट थी। और एक और बात दोस्तों, ग्रुप डी इससे पहले 62,000 सीट्स पर जो है थी वैकेंसी आई थी, इस बार 1,03,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो मौका मत छोड़िएगा, अपनी तैयारी जम करके करिएगा और जिनका सिलेक्शन पिछली वाली जो भर्ती है उसमें नहीं हुआ है वो लोग अपने पूरी जी जान लगा दें और इस जॉब की तैयारी अच्छे से करें। अगला यहाँ पर रेलवे जोन यानी कि रेलवे आरआरसी वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे मुंबई। मुंबई का एक और है सेंट्रल रेलवे मुंबई। अगर आपको मुंबई में ही जॉब चाहिए, आई थिंक मुंबई के आसपास ही, तो आप सेंट्रल रेलवे मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे में आपको गुजरात और इन सबका रीजन जो है जो वेस्ट में आते हैं वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो है 10,734 सीट्स हैं और यहां पर भी एप्लीकेशन फॉर्म तेजी से भरे जा रहे हैं। 3,58,987 एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर अब तक भरे जा चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आपको कैसे जो है ये मतलब फाइंड आउट करना है कि किस आरआरसी से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, तो सिंपली आपको एक नया मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी। किसी भी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसमें 0 के बाद के जितने भी 6-5 डिजिट रहेंगे, लास्ट के 6-7 डिजिट, वही आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जितने लोग रजिस्टर कर चुके होंगे उस समय तक, ठीक है। अगला आरआरसी जोन यहां पर है हमारा साउथर्न रेलवे चेन्नई, साउथ में है ये। तो 4,87,000 जो है 890 अलग अलग सीट्स पर यहां पर जो है वो वैकेंसी यहाँ पर जो अब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं वो 4,87,890 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर भी सीट्स अच्छी खासी थी, 9,579 अलग अलग सीट्स थी। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जानकारी हर पल हम आपको जो है अपडेट करते रहें। अगला जोन यहाँ पर है सेंट्रल रेलवे मुंबई। अगर आपको मुंबई के आसपास ही जॉब चाहिए तो सेंट्रल रेलवे मुंबई से आप अप्लाई करिएगा। सेंट्रल रेलवे इसका जो हेडक्वार्टर्स रहता है आपका मुंबई में है। वैकेंसी इसमें जो थी वो 9,345 अलग अलग सीट थी यहाँ पर। और यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी भर चुके हैं, 4,17,789 एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर अब तक भरे जा चुके हैं। और एक और बात दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भेजते रहें ताकि सभी कैंडिडेट्स का यहां पर भला और लोगों को पता चले। अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर भी दिया है तो उनको पता चले कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन है, कहां कितने एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये लिस्ट देखने से आपको ये कॉम्पिटिशन का अंदाजा भी हो जाएगा कि कहां पर कितनी सीट्स हैं और वहां पर कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं। तो ये सब भी जानना आपके लिए जरूरी होता है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा प्रिपरेशन की। अगला जो
रेलवे RRC है वो है साउथर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। यहाँ पर अब तक 4,92,403 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं और 9,328 यहाँ पर टोटल सीट थी। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की अगर हम बात करें तो 2,71,987 यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, 7,167 यहाँ पर जो थी टोटल सीट्स थी। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना रहता है रेलवे भर्ती का तो कमेंट पे जाकर के जो है आप लोग पूछ सकते हैं, अपने सवाल कमेंट करें और जितने ज़्यादा सवाल आएंगे नेक्स्ट वीडियो हम आपके सवालों पर भी बना देंगे। अगला जो रेलवे जोन है RRC है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जयपुर। अगर जयपुर साइड आप जॉब चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इस RRC से टोटल सीट्स यहाँ थी 5,249 सीट थी और यहाँ पर अब तक 4,68,456 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, 4,68,000 लोग यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं। अगली जो यहाँ पर हमारी RRC है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आ चुके हैं 1,71,980 और यहाँ पर जो आपकी टोटल सीट थी वो थी 4,914। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4,730 सीट थी लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म 4,32,568 है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी जो है जल्दी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पर भरे जा रहे हैं। अगला जो RRC है वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ पर 2,69,304 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, यहाँ पर टोटल सीट थी 4,019। और दोस्तों अगर आपको किसी भी जोन के डेटा में कुछ डाउट होता है या अगर आपको लगता है कि इस जोन का डेटा सही नहीं है इस RRB का, तो आप लोग जो है रजिस्टर करके email ID हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी srjec14@gmail.com, यहाँ पर जो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट से, क्योंकि दोस्तों जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट के आधार पर ही बना रहे हैं। इसलिए अगर आपको किसी जोन के डेटा में कुछ डाउट होता है तो आप रजिस्टर करके ईमेल करके स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहां पर RRC है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहां पर 2,64,980 आवेदन अब तक आ चुके हैं, 4,002 अलग अलग सीट्स यहां पे थी ग्रुप डी भर्ती की। अगला जोन यहां पे हम देख लेते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर्स है हाजीपुर, यहाँ पर जो थे 2,09,467 एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं 2 अप्रैल को शाम दोपहर 3 बजे तक, इसमें टोटल सीट थी आपकी 3,562 टोटल सीट थी। अगला यहाँ पर RRC हम देख लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी और यहाँ पर 2,894 टोटल सीट थी और 1,64,890 एप्लीकेशंस यहाँ पर आ चुके हैं। और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात करें तो 1,64,306 एप्लीकेशंस यहाँ पे आ चुके हैं, 2,555 यहाँ पर टोटल सीट्स थी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पर 1,47,203 एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं, 1,664 यहाँ पर जो थी वो टोटल सीट थी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर हमने आपको डेटा बता दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको पूरा डेटा बता दिया कि किस RRC से ग्रुप डी के कितने एप्लीकेशंस फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं, कितनी टोटल सीट थी। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 55 से 60 लाख तक अब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और जहाँ तक अंदाजा है इस बार भी जो है आपका 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म, एक से तो ज्यादा ही जाएगा क्योंकि 62,000 जो टोटल सीट थे उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया था, तो इसमें भी जब इसमें ऑलरेडी 1 लाख सीट है तो इसमें भी 1 करोड़ से डेढ़ करोड़ लोग जो है एप्लीकेशंस फॉर्म भरेंगे और इतने कैंडिडेट्स इसका एग्जाम देंगे। कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा रहेगा, आप अपनी तैयारी करते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और नई सरकारी भर्ती नई सरकारी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।